दोस्तों, अगर आप भी अपने लैपटॉप या फिर पीसी में विंडोज ऑटो अपडेट को ऑफ करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 में विंडोज ऑटो अपडेट को ऑफ कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एन की यूट्यूब चैनल। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको विंडोज बटन को एक बार प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे सर्विसेज। जैसे आप सर्विसेज टाइप करते हैं, आप देखेंगे फर्स्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्विसेज का। सिंपली आप इस पे एक बार क्लिक करिए। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी की सर्विसेज हैं वो ओपन हो जाती हैं। अभी आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है विंडोज अपडेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे देखिए जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है विंडोज अपडेट का। सिंपली आप इस पे एक बार डबल क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्टअप टाइप का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे अगर आपका विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी ऑटो अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे डिसेबल पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है अप्लाई के ऊपर। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जो फर्स्ट मेथड है वो कम्प्लीट हो चुका है, आप सर्विसेज को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड के लिए आपको सिंपली विंडोज प्लस आर को एक साथ प्रेस करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है gpedit.msc। जैसे आप gpedit.msc को टाइप करते हैं उसके बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी का ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाता है। अभी आप सिंपली इसे मैक्सिमाइज करिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूजर कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली आपको इस पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इस पे आप डबल क्लिक करिए। उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल सेटिंग्स। जैसे आप ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आपके विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 की सभी सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर भी आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट। तो सबसे नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट। सिंपली आप इस पे एक बार डबल क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर्ड सिलेक्ट होगा, आपको यहाँ पे डिसेबल पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आप एक बार अप्लाई करिए, उसके बाद आप सिंपली ओके कर दीजिए। तो इस तरह से विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट को ऑफ करने का सेकेंड मेथड है वो कम्प्लीट हो जाता है। आप इसे भी यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। थर्ड और फाइनल स्टेप के लिए सिंपली आपको विंडोज आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे देखते हैं सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपडेट एंड सिक्योरिटी का। सिंपली आप इस पे एक बार क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपने जो दो स्टेप्स कंप्लीट किए थे उसके बाद यहाँ पे अपडेट पॉज लिख के आने लगेगा। अगर यहाँ पे नहीं लिख के आ रहा है तो आप यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस ऑप्शंस, इस पे एक बार क्लिक करिए। उसके बाद जो भी आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं इन्हें टर्न ऑफ कर दीजिए, इससे आपके पास विंडोज ऑटो अपडेट का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। और लास्ट में आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा पॉज अपडेट्स का, इस पे एक बार क्लिक करिए। यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कब तक के लिए आप विंडोज अपडेट को ऑफ करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो भी मैक्सिमम डेट आपको दिख रही है उसे आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपके जो विंडोज अपडेट को ऑफ करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, आप यहां से जो सेटिंग्स हैं उन्हें क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, इन तीन मेथड को अप्लाई करने के बाद आप भी अपने विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के ऑटोमेटिक अपडेट को ऑफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रह गई तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक पे मिल जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी जो भी हेल्पफुल वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।